आज अयोध्या में श्री राम जी विराजमान होने वाले हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और हर घर में पूजन जरूर होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राम जी के लिए स्पेशल प्रसाद में ये सूजी के लड्डू, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले एक कटोरी सूजी को कढ़ाई में डालेंगे, कोई भी सूजी चलेगी, मोटी हो या पतली, और फिर हमें इसको रोस्ट करना है। तो सबसे पहले सूजी को ऐसे ही नॉर्मली रोस्ट करेंगे। 3-4 मिनट के लिए अच्छे से सूजी को रोस्ट करना है, जिससे इसका हल्का कच्चापन निकल जाएगा, और फिर हम इसे घी में रोस्ट करेंगे। तो देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ और गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पर ही हमें सूजी को अच्छे से भुनना है। ये लड्डू बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। तो मैंने अभी 1/2 छोटी चम्मच घी ऐड किया है और घी को अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा घी हम नहीं डालेंगे, बहुत कम घी में और बहुत ही कम चीज़ों में हमारा ये प्रसाद बनकर तैयार होगा। तो इसे हर कोई बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से मैंने घी को मिक्स कर दिया है और यहाँ पर घी डालने के बाद सूजी का हल्का कलर भी चेंज हो गया है। साथ ही जैसे जैसे रोस्ट होगी ना, वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा थोड़ा सा। क्या करना है, ये सूजी को अच्छे से फुलाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चम्मच से जगह जगह पर दूध डाला है और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हल्के से इसमें गुठले बनते जाएंगे, तो उन्हें आप चम्मच से हटाते भी जाइएगा। मतलब चम्मच से अच्छे से आप प्रेस करेंगे ना, तो वो गुठले अपने आप ख़त्म होते जाएंगे। तो इस तरह से आपको सूजी को रोस्ट करना है। इससे क्या होगा कि सूजी अच्छे से फूल भी जाएगी और हमें एकदम दानेदार लड्डू मिलेंगे। तो देखिए, अच्छे से मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ और इसमें हल्का सा दूध भी डालते जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने 4 से 5 बार इसमें अच्छे से दूध डाला है, इस तरह से चम्मच से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए। और यहाँ पर अब सूजी का कलर और टेक्सचर दोनों चेंज हो चुके हैं पूरी तरह से। तो सूजी भी अच्छे से फूल गई है, अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, वो ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता लिया है और थोड़ी सी किशमिश ली है। आप चाहें तो इन सब में से कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं या फिर पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और जो गुठले इसमें रह गए हैं उनको भी इस तरह से फोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और प्रसाद खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इलायची पाउडर को भी मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी 1 कटोरी। तो जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमें इसमें चीनी मिक्स करनी है। ये जो लड्डू है हम बिना चाशनी के बनाने वाले हैं, इसीलिए ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर देखिए, अभी सूजी गर्म है और इसमें मैंने चीनी डाल दी है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अभी मैंने पूरी इसमें चीनी पाउडर डाल दिया है, 1 कटोरी जो लिया था वो। तो अब क्या करना है, इसमें मैं थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ इसको हल्का सा मॉइस्चर देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मलाई का यूज़ किया है। आप इसकी जगह पर दूध भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर जो मलाई है बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, इसलिए मैंने इसमें मलाई का यूज़ किया है। अभी मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया था, तो अब हम इसमें दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का सा मॉइस्चर आ जाएगा इसमें, तो हमें लड्डू बनाने में आसानी होगी। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से दूध को मिक्स करना है। दूध रूम टेम्परेचर का ही लिया है मैंने, गर्म दूध नहीं लिया है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ये लड्डू बिना चाशनी के बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको अगर कुकिंग नहीं भी आती है ना, तब भी आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं। और जिन्हें प्रसाद बनाने का मन होगा तो वो तो कैसे भी बना ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से ये सूजी जो है गीली हो चुकी है, तो अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से देखिए, अच्छे से हम गोल गोल लड्डू बनाएंगे, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है इस तरह से। और ऐसे ही हम बाकी के लड्डू भी बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, नींबू के साइज़ के मैं लड्डू बना रही हूँ। आप थोड़े और छोटे भी बना सकते हैं और इससे बड़े भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो रामलला के प्रसाद के लिए हमारे ये सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं खाने में, और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। साथ ही इनको बनाने का आसान तरीका है,
तो आप इन्हें आराम से बना सकते हैं। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आज के दिन। और अगर आपको ये प्रसाद की और ये सूजी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये लड्डू कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये टूट गया और बिल्कुल भी नहीं बिक रहा है। तो आप इन्हें रूम टेम्परेचर पर ही इन्हें स्टोर करके रखिएगा और इन्हें आप हफ्ते भर तक आराम से खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।